जो चल नहीं सकता वो भी तोड़ेगा। कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों के दर्द में इसे पीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज का उपाय एक ऐसा नुस्खा है जिसे लेने से अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, जोड़ों घुटनों में तेज दर्द है, आपको लगता है कि आप सही से चल भी नहीं सकते, नसों में होने वाला दर्द इससे पूरी तरह से ठीक होगा। दिन भर काम के बाद शरीर में थकावट हो ही जाती है, लेकिन रात भर आराम करने के बाद भी अगले सुबह भी आपको शरीर में वही थकावट है, कमजोरी महसूस होती है, हड्डियों जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, नसों में से दर्द निकलती है और आपको सही से उठने बैठने में भी परेशानी है। तो आज हम एक ऐसा नुस्खा जानेंगे जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि आपने इसके बारे में पहले क्यों नहीं जाना, क्योंकि ये जो उपाय है ये आपके शरीर की कमजोरी को खत्म करेगा, हड्डियों जोड़ों में होने वाला दर्द गायब होगा, शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरी करेगा, मांसपेशियों की मुरम्मत करेगा और नसों में उठने वाले तेज दर्द को ठीक करेगा। क्योंकि दोस्तों हमारे बड़े बुजुर्ग शुरू से ही पहला महत्व अपने शरीर को देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए ये जानते हैं आपको इसे कैसे तैयार करना है। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर पहली चीज जो लेनी है वो है अलसी। अलसी दोस्तों जोड़ों और घुटनों के दर्द के लिए इतनी फायदेमंद है कि लोग इसके लड्डू और बर्फी बनाकर खाते हैं। साथ ही साथ हार्ट ब्लॉकेज में, थायराइड के लिए और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए भी अलसी बहुत फायदेमंद है। अलसी आपको किसी भी पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। आपको यहाँ पर लगभग एक कटोरी में अलसी लेनी है और इसे हम यहाँ पर 2 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। इंग्लिश में इसे दोस्तों फ्लेक्सीड भी कहते हैं। आप यहाँ पर एक खाली कटोरी में से 2 चम्मच डाल लीजिए और इसका प्रयोग आपको अकेला नहीं करना, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर लेनी है ये सफेद तिल। कुछ लोगों को लगता है कि वो भी जवान है और उनके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं हो सकती, उनके कभी जोड़ों में दर्द नहीं हो सकता, उनकी हड्डियां कमजोर नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूट्रिशन की कमी से बच्चे से लेकर बड़े तक किसी के भी शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है और घुटनों और जोड़ों में दर्द की समस्या आ सकती है, और उसके लिए ये सफेद तिल दोस्तों बहुत फायदेमंद है। इसे दोस्तों कैल्शियम का खजाना भी कहा जाता है, क्योंकि एक कटोरी सफेद तिल में लगभग 70 ग्राम कैल्शियम पाया जाता है और आपको यहाँ पर इसे दोस्तों 2 चम्मच लेना है। इन दोनों को हम यहाँ पर धीमी आंच पर पकाएंगे ताकि अगर इनमें नमी है, सीलन है, वो अच्छे से निकल जाए, और 2 मिनट तक पकाने से ये दोस्तों हल्के ब्राउन कलर के हो जाएंगे। इसके बाद आप इसे उतार लीजिए और आपको यहाँ पर लेने हैं अखरोट। अखरोट की आप दोस्तों गिरी निकाल लीजिए और हम यहाँ पर 4 अखरोट की गिरी लेंगे। आपको जो अखरोट लेने हैं दोस्तों खुली हुई गिरी नहीं लेनी, खुली हुई गिरी में से तेल पड़े पड़े सूख जाता है। आप इस तरह से अखरोट लीजिए और अखरोट को तोड़कर ही इसकी गिरी निकालिए, जिससे दोस्तों ये आपके घुटनों जोड़ों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप 4 अखरोट की गिरी लीजिए और साथ में ये भुने हुए तिल और ये अलसी के बीज लेंगे और इन्हें हम ग्राइंड करके अच्छे से इनका एक पाउडर तैयार करेंगे। आप इसे ग्राइंड करके इसका पेस्ट तैयार कीजिए और ये जो पाउडर है हमें इस तरह से मिलेगा। घुटनों के दर्द में, कैल्शियम की कमी में, जोड़ों में होने वाले दर्द में, चलने फिरने में जिन्हें दिक्कत है उसके लिए दोस्तों ये बहुत फायदेमंद है। इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है आइए देखते हैं। इस देसी नुस्खे का इस्तेमाल करते समय आप दोस्तों ध्यान रखें कि जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो शरीर में वात रोग को बढ़ाती हैं, वायु की मात्रा को बढ़ाती हैं, उन्हें कुछ समय के लिए रोक दीजिए। और इस नुस्खे का इस्तेमाल आप यहाँ तो दूध के साथ कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो पानी के साथ भी इसे ले सकते हैं, लेकिन जो लोग दूध पीते हैं वो इसका इस्तेमाल दूध के साथ ही करें। आप इस पाउडर का 1 चम्मच लीजिए, आप चाहे तो इसे दूध में डालकर भी इसे मिलाकर ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आप इसे पहले 1 चम्मच खा लीजिए और फिर उसके बाद दूध पी लीजिए। दूध आपका दोस्तों हल्का गर्म होना चाहिए और मिठास के लिए आप चाहे तो इसमें हल्का सा गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको इसे सुबह के समय पीना है। आप सुबह खाली पेट या फिर नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद इसे लीजिए और इसे लेने के 1 घंटे तक आपको किसी भी चीज को खाना या पीना नहीं है। इसे दोस्तों आपको धीरे धीरे पीना है ताकि शरीर में आपके वात का संतुलन बनाए और घुटने जोड़ों में होने वाले दर्द से आपको छुटकारा दिलाएगा। दिन में आपको केवल इसे 1 बार लेना है और 5 से 7 दिन के इस्तेमाल से ही ये दोस्तों अपना असर शुरू करेगा और 2 हफ्ते तक आप दोस्तों देखेंगे आपके शरीर में वात रोग की समस्या ठीक होगी, कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी और चलने फिरने में होने वाली परेशानी पूरी तरह से ठीक होगी। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।